हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से अभी तक 100 लोगों की मौत हो गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की है। मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पुलिस प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सूचना के बाद घटना स्थल के लिए प्रशासनिक अधिकारी रवाना हुए हैं। यह सत्संग हाथरस के फुलरई मुगल गढ़ी के में आयोजित हुआ था। साकार नारायण विश्व हरि भोले बाबा का यह सत्संग बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रवचन खत्म करने के बाद बाबा के पैर छूने और आशीर्वाद लेने की वजह से भगदड़ मची हुई है। हाथरस की दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए गहन जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मृतकों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं हाथरस DM आशीष कुमार ने पत्रकारों का जवाब देते हुए बोले कि जांच चल रही है, जांच होगी, जांच में निकल कर आएगा क्या था मामला, यह जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 150 चले गए, कितने लोग की वजह से दुर्घटना हुई? 150 चले गए यहाँ से, 200 के लंबे चले गए। और एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को सप्लाई नहीं कर रहे, क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में बताइए, हमने कैच कैच खिलाया, इनमें सांस चल रही है, जान है, वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री है, फिर कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उस पर ड्रिप लगा दे तो फिर बचेगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, CMO साहब अभी तक आए नहीं है, 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। नगरी चौपट राजा, इसमें जांच जांच चल रही, जांच होगी, देखिए वो जांच में निकल आएगा। सर जिम्मेदार बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। UD News के लिए राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट।